नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी डीएलएड 2024 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। बता दें इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। अगर आप नोटिस में देखेंगे तो बता दें इसके आवेदन जो है 18 सितंबर से जो है शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2024 है। शुल्क जमा करने की 10 अक्टूबर है और प्रिंट आउट निकालने की 12 अक्टूबर है। तो पूरा फॉर्म का प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। बता दें इसका लिंक आपको, डायरेक्ट लिंक आपको सरकारीRezult.com और RozgarRezult.com पर मिल जाएगा, जहां पे आपको जियो है, गाइडलाइंस है, ये सब भी आपको मिल जाएगा। यहां पे फोटो सिग्नेचर की भी गाइडलाइंस दी है कि फोटो और साइन आपका कैसे होना चाहिए। बता दें जो फोटो रखिएगा उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, लाइट होगा तो ही बेटर है, और साइज जो है इसका 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर पे ब्लैक पेन से ही होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से ही होना चाहिए। साइज 2 से 10 KB के बीच होना चाहिए। साइज आप कैसे ऑनलाइन सेट करेंगे, अपने मोबाइल से कैसे सेट करेंगे, ये भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्लिक करते हैं पार्ट वन रजिस्ट्रेशन। ये देखिए पार्ट वन रजिस्ट्रेशन ये है, पार्ट टू फीस पेमेंट ये है, पार्ट थ्री ये है, फोटो सिग्नेचर अपलोड ये है, फाइनल प्रिंट आउट ये है। तो पूरा स्टेप, सारे स्टेप आपको करके दिखाएंगे, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, सीधा हम पार्ट वन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, फीस वगैरह आ गई है, जो फीस है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो है आपको सीधा यहाँ पे टिक करना है, जो हाथ आ रहा है। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है क्योंकि फॉर्म अभी चालू हुआ है। सीधा आपको पंजीकरण करे पे यहाँ पे यस कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, मैंने अपना नाम डाल दिया है, फादर नेम डाल देना है। बता दीजिए जो भी नाम मैं डाल रहा हूँ सब काल्पनिक नाम है, केवल आपको समझाने की वजह से जो है डाल रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो अपना मदर नेम डाल देना है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि डाल देनी है। यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल डाल देना है कि डोमिसाइल आपका यूपी का है कि कहीं बाहर का है। जैसे मेरा यूपी का, मैंने यूपी डाल दिया। आपने पूछा है कैटेगरी आपकी कौन सी, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी, आपको कैटेगरी डाल देना है। सब कैटेगरी है, सब कैटेगरी में जैसे फ्रीडम फाइटर है, कोई आपका हैंडीकैप वगैरह है, कुछ नहीं है तो आप एनए कर दीजिए, कुछ भी है तो सिंपली आपको उस पर टिक कर देना, अगर नहीं है तो आप सिंपली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, नेक्स्ट अपना मोबाइल नंबर डालना है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है, ग्रेजुएशन आपने जो है किस बोर्ड से पास किया है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो अदर यूनिवर्सिटी का भी ऑप्शन है, आप उसमें जो सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो यहाँ पे अदर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, वहां से आप डाल के भर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो कॉलेज का नाम डालना है, कॉलेज का नाम डालने पर आपसे पूछा कि आपने जो इसको ग्रेजुएशन कब पास किया है, रोल नंबर आपका क्या था, आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या था, कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप एनए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स कितना था और आपको कितना नंबर उसमें जो मिला था, परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे जो कैप्चा है, इस कैप्चा को आपको एज इट इज यहाँ पे जो है डाल देना है, और डालने के बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बता दें जो भी जानकारी भरी है सब सैंपल जानकारी है, आपको समझाने के उद्देश्य से भरी गई है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है, सारी डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ गई है। आपको उसको अच्छे तरीके से चेक करना है, चेक करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। कुछ भी अगर आपको लगता है गलत है तो यहाँ पे बैक करके आप उसको सुधार सकते हैं। मेरा सब कुछ सही है, मैं फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही हमने फाइनल सबमिट किया, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बता दें आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके मोबाइल पे और रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। क्लिक हियर टू प्रोसीड करना है और आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा है। बता दें रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो है आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास मैं देख रहा हूँ कि हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, तो मैंने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ और सिक्योरिटी कोड डाल के लॉग इन पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के तुरंत बाद यहाँ पे आपके ओटीपी मांगेगा। बता दें ओटीपी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ही जो है ओटीपी जाता है। अगर ओटीपी काफी देर तक नहीं आता है तो यहाँ पे टाइम आउट होने के बाद आप रिसेंड ओटीपी भी कर सकते हैं। चलिए वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी स्टेप टू बचा है, स्टेप थ्री बचा है, स्टेप फोर बचा है और स्टेप फाइव बचा है। तो चलिए स्टेप टू पे क्लिक करते हैं, प्री एग्जामिनेशन फीस पर। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि अगर आपका पेमेंट किसी वजह से कट जाता है और अपडेट नहीं होता है तो आपको उसके लिए 24 घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये पेमेंट आपका ऑटो अपडेट हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए लिखा है और वेट फॉर नेक्स्ट वर्किंग डे 24 आवर, अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाता है और इसमें अपडेट नहीं होता है तो। चलिए दोस्तों बहरहाल हम यहाँ पे इसका पेमेंट करते हैं अपना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग से। जब आप इसमें आगे जाएंगे तो बता दें यहाँ पे आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन चालान का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आपको जिससे चाहे उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों मैं इसका पेमेंट करता हूँ अपने कार्ड से और आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों पेमेंट करने के बाद दोबारा आपका अकाउंट जो है लॉग आउट हो जाएगा, दोबारा से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर और जो कैप्चा आपने बनाया था, अपना डेट ऑफ बर्थ डाली थी, डाल के दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही हमने लॉगिन किया आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन यानी पार्ट टू फीस पेमेंट हमारा हो चुका है। अब हमारा बचा है पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट फाइव। चलिए दोस्तों पार्ट थ्री पे फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। जैसे आप फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे बता दें सबसे पहले आपको क्लास 10th यानी कि हाई स्कूल की डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नाम डाल देना है, यहाँ पे आपने जो हाई स्कूल कब पास किया है, पासिंग का जो है डेट डाल देनी है, यहाँ पे आपको रोल नंबर डाल देना है, मार्क्सशीट का सीरियल नंबर डाल देना है, मार्क्स में टोटल आपको कितना मार्क्स मिला था और यहाँ पे आपको कितना मार्क्स ऑब्टेन हुआ था, मार्क्स ऑब्टेन डाल देना है। यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरह आपको क्लास 10th 12th यानी इंटर का भी जो है आपको डाल देना है, अगर सेम हो तो एज इट इज यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, मार्क्सशीट का सीरियल नंबर डाल देना है, कितने नंबर का था और आपको कितना नंबर जो है मिला है वो डाल देना है। डालने पर यहाँ पे परसेंटेज आपका आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट आपको अपने यहाँ पे फादर नेम जो है डालना है या कोई गार्जियन नेम हो तो वो आपको डाल देना है, तो यहाँ पे मैं अपना फादर नेम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, बता दें एड्रेस जो भी आपका पत्राचार करेस्पोंडेंस का एड्रेस हो आप डाल सकते हैं। जैसे आपका हाउस नंबर होगा या आपका विलेज होगा तो आप डाल दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मोहल्ला वगैरह होगा मोहल्ला डाल दीजिए, एरिया डाल दीजिए जो भी आपका लोकलिटी हो या एरिया हो सब डाल दीजिए, एरिया डाल दीजिए, पिन कोड जो आपका हो पिन कोड डाल दीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। यहाँ पे आप आईडी प्रूफ में क्या देना चाहते हैं वो आईडी प्रूफ आप दे सकते हैं। बता दें आईडी प्रूफ में वोटर आईडी है, बैंक पासबुक है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है या तो फिर राशन कार्ड है, यही दे सकते हैं। आधार कार्ड का ऑप्शन इसमें नहीं है, तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो सिंपली आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। आप अगर पैन कार्ड नहीं बना है तो सिर्फ 24 घंटे में आप इंस्टेंट पैन कार्ड अपना जनरेट भी कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो मैं आपको जो है अगली वीडियो में बता दूंगा या मैं आपको उसकी वीडियो भी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बहरहाल दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको डिटेल्स देना है डाल देना है, सब कुछ यहाँ पे करने वाले यहाँ पे कैप्चा आपको जो है इस कैप्चा को डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप आगे बढ़ेंगे पूरा जो भी आपने अपना डिटेल्स फिल किया है वो सारी चीजें शो करने लगेगी, अच्छे तरीके से चेक करना है। यहाँ पे आपको चेक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट करना है। ध्यान दीजिएगा कोई भी डिटेल्स बाद में चेंज नहीं होगी, इसलिए अच्छे तरीके से प्रीव्यू को चेक करते चलिए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने थर्ड स्टेप पे जिसमें हमको अपनी फोटो अपलोड करनी है। फोटो का साइज 25 से 50 KB के बीच होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज 10 से 50 KB के बीच होना चाहिए। बता दें सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है और फोटो का बैकग्राउंड अपना लाइट रखिएगा। अगर आपकी फोटो का बैकग्राउंड लाइट नहीं है तो आपको हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ से जाके आप अपनी फोटो के सिग्नेचर के साइज को, फोटो के साइज को रिसाइज कर सकते हैं, जो साइज मांगा उस साइज में सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपलोड करेंगे साइज आ जाएगा, कम और ज्यादा करके अपने हिसाब से आपको सेट करना है। अगर आपकी फोटो का बैकग्राउंड कुछ और है तो यहाँ ऑप्शन पे जाना है, अपनी फोटो को अपलोड करना है, ऑटोमेटिक अपनी आपकी फोटो का बैकग्राउंड बदल जाएगा। फिर आपको जो बैकग्राउंड रखना है उसको रखिए, अगर व्हाइट रखना है व्हाइट रख के डाउनलोड कर दीजिए। बता दें साथ ही साथ पीडीएफ का भी ऑप्शन आ गया है और भी नए नए टूल्स इस पे आ रहे हैं जैसे शादी का बायोडाटा है, रिज्यूम है, ये सब भी आप हमारी वेबसाइट सरकारी रिजल्ट टूल्स के माध्यम से बना सकते हैं। चलते हैं फोटो सिग्नेचर को अपलोड करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारे जो स्टेप 1 हो चुका है कंप्लीट, स्टेप 2 हो चुका है, स्टेप 3 हो चुका है, स्टेप 4 हो चुका है। अब फाइनल बचा है एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, आपको इस पे क्लिक करना है और अपने फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। बहरहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।